आइए मैं आपको सिखाऊं 10 ऐसे वर्ड्स जो लगने से रिलेटेड है, यानी आप अपने डेली लाइफ में अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जहां आता है लगना। सिंदूर लगाना को इंग्लिश में कहते हैं अप्लाई वर्मिलियन इन द पार्टिंग। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह अपने सर में सिंदूर लगाती है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी अप्लाइज वर्मिलियन इन द पार्टिंग ऑन हर हेड, यानी वह अपने सर में सिंदूर लगाती है। क्या आपको मालूम है स्टेक वंस लाइफ का मतलब होता है जान पर खेल जाना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह अपनी जान पर खेल गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह अपनी जान पर खेल सकता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही कैन स्टेक ऑन हिज लाइफ, ही कैन स्टेक हिज लाइफ, यानी वह अपनी जान पर खेल सकता है। अगर आपको कहना हो वह अपनी जान पर खेलने से नहीं चूकता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही डजंट फेल टू स्टेक हिज लाइफ, यानी वह अपनी जान पर खेलने से नहीं चूकता है। यहाँ मैंने बोला डजंट फेल, इसका मतलब होता है कि नहीं चूकता है, और आगे मैंने बोला टू स्टेक हिज लाइफ यानी अपनी जान पर। कैच फायर का मतलब होता है आग लगना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो उस घर में आग लग गई, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दैट हाउस कॉट फायर, यानी उस घर में आग लग गई। यह मैं आपको बता दूं कि आग लगना और आग लगाना ये दोनों अलग अलग बात है। आग लगने के लिए हम बोलते हैं कैच फायर, लेकिन आग लगाना के लिए हम बोलते हैं सेट ऑन फायर। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो उस घर को आग लगा दी गई, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दैट हाउस वॉज सेट ऑन फायर, यानी उस घर को आग लगा दी गई। तो उम्मीद करता हूँ आप इन दोनों वर्ड्स के फर्क को समझेंगे। जब आपको कहना हो आग लगना तो आप कहेंगे कैच फायर, और जब आपको कहना हो आग लगाना तो आप कहेंगे सेट ऑन फायर। मजदूर लगाना को इंग्लिश में कहते हैं इंगेज लेबरर्स। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैंने अपने खेत में कुछ मजदूर लगाए हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव इंगेज्ड सम लेबरर्स इन माय फील्ड, यानी मैंने अपने खेत में कुछ मजदूर लगाए हैं। यहाँ इंगेज्ड सम लेबरर्स का मतलब हुआ कुछ मजदूर लगाए हैं। मेला लगने को इंग्लिश में कहते हैं इज हेल्ड। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो गांव में एक मेला लगा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे अ फेयर इज हेल्ड इन द विलेज, यानी गांव में एक मेला लगा है। क्या आपको मालूम है मन ना लगना को इंग्लिश में कहते हैं नॉट टेक इंटरेस्ट इन। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो उसे इस काम में मन नहीं लगता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन दिस वर्क, यानी उसे इस काम में मन नहीं लगता है। यहाँ मैंने बोला नॉट टेक इंटरेस्ट इन, इसका मतलब हुआ मन नहीं लगता है। अगर आपको कहना हो इंग्लिश सीखने में मेरा मन नहीं लगता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन लर्निंग इंग्लिश, यानी इंग्लिश सीखने में मेरा मन नहीं लगता है। क्या आपको मालूम है स्लिप थ्रो वंस फिंगर का मतलब होता है हाथ न लगना या हाथ से निकल जाना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा या वह तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही विल स्लिप थ्रो योर फिंगर, यानी वह तुम्हारे हाथ नहीं आएगा या तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। अगर आपको कहना हो वह मेरे हाथों से निकल गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही स्लिप्ड थ्रो माय फिंगर, यानी वह मेरे हाथों से निकल गया। अक्सर आप लोगों को ये कहते हुए सुने होंगे कि उसे भूत लग गया है या उसे भूत पकड़ लिया है। तो अगर आपको कहना हो भूत पकड़ लिया है या भूत लग गया है, तो आप कहेंगे पॉसेस्ड बाय इविल स्पिरिट्स। जैसे उसे भूत लग गया है या उसे भूत पकड़ लिया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज पॉसेस्ड बाय इविल स्पिरिट्स, यानी उसे भूत पकड़ लिया है। क्या आपको मालूम है नशा लगना को इंग्लिश में कहते हैं एलर्जिक टू। जैसे कई बार आप कहते हैं भांग का नशा लग जाना, गुटखा का नशा लग जाना, या सिगरेट का नशा लग जाना, शराब का नशा लग जाना, तो आप यहाँ बोलेंगे एलर्जिक टू भांग, या एलर्जिक टू सिगरेट, एलर्जिक टू वाइन, या एलर्जिक टू इंटॉक्सिकेटेड थिंग, यानी नशीली चीजों का नशा लग जाना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो उसे भांग लग गया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज एलर्जिक टू भांग। अगर आपको कहना उसे सिगरेट लग गया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज एलर्जिक टू सिगरेट। क्या आपको पता है धारा लगने को इंग्लिश में कहते हैं इम्पोज सेक्शन। अक्सर आप इस तरह के सेंटेंसेस सुनते होंगे जहां लोग कहते हैं उसे धारा 144 लगा है या उसे धारा 306
पीछे लगा है। तो इस तरह के सेंटेंस है जहां आप कहते हैं किसी को कोई धारा लगा है, को बोलने के लिए आप कहेंगे इम्पोज सेक्शन, जैसे उसे धारा 144 लगा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज इम्पोज्ड सेक्शन 144, यानी उसे धारा 144 लगा है। क्या आपको पता है रस्ट का मतलब होता है जंग लगना? अगर आपको कहना हो इसे जंग लग सकता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट मे रस्ट, यानी इसे जंग लग सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये सभी वर्ड्स आपको बड़े शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप एक कंप्लीट लर्निंग चाहते हैं तो आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।